गुड आफ्टरनून फ्रॉम बांग्लादेश। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बारे में कोई क्वेश्चन रहते हैं कि सर बांग्लादेश में किस तरह का एजुकेशन क्वालिटी है और बांग्लादेश के एक्चुअली एजुकेशन के लिए इतना फैल रहा है जिस तरीके से हम इसको यूट्यूब पर दिखाते हैं कि चारों तरफ कि भाई बांग्लादेश भी ऐसा एजुकेशन हब बनते हुए आ रहा है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा एक ट्रिप देना चाहूँगा। एक एजुकेशन फेयर चल रहा है बांग्लादेश में और आप देखेंगे यहाँ पर यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, रशिया, इवन इंडिया से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इन सारे कंट्रीज से अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आई हुई हैं और यहाँ से स्टूडेंट्स का इतना बड़ा भीड़ लगा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, क्योंकि तो मैं बात करूँ साथ ही साथ आपको वीडियो पीछे दिखाऊँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक भीड़ लगा हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स ये अलग अलग कंट्री की पढ़ाई को लेकर के जानने के लिए यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स में आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिएगा, अगर अलग अलग कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, मलेशिया, ये सारे जगहों पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज स्पेशली फॉर मास्टर्स, क्योंकि बैचलर्स को बहुत हद तक कर लेते हैं लोग यहाँ, बट मास्टर्स के लिए डेफिनेटली जैसे इंडिया में 2-2.5 लाख बच्चे यूएस जा रहे हैं, 2-2.5 लाख बच्चे ऑस्ट्रेलिया कैनेडा जा रहे हैं, तो उस तरीके से यहाँ से भी बहुत बड़ा ग्रुप यूएस, यूके, कैनेडा, मलेशिया की तरफ जाता है, स्पेशली मास्टर्स के लिए, इवन बैचलर्स के लिए जिनका जैसा बजट है। तो यहाँ पर इतनी सारे स्टॉल्स आपको मेरे आस पास दिख रहे होगी, ये सारे एजुकेशन कंसल्टेंट्स, कॉलेजेस का रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ हो रही है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बांग्लादेश ऐसे ही नहीं एजुकेशन हब बनते जा रहे हैं, क्यों आज इन सारी कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं और कंसल्टेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पर बच्चों को दूसरी कंट्रीज में ले जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कुछ सेटल हो जा रहे हैं। इस तरह के बहुत बड़ा एक होड़ लगा है जैसा सिमिलर है इंडिया में। तो ये आप मेरे पीछे पीछे अगर आप देखते भी रह रहे हैं, मैं आपको समझाते भी रह रहा हूँ, ये जो एक ओवरऑल एक ग्रोथ है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट का, स्टूडेंट्स का, इससे आपको एक आइडिया होगी कि क्यों एक्चुअली में बांग्लादेश में एजुकेशन इम्प्रूव कर रहे हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम इम्प्रूव कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूके, कैनेडा, इन सारी कंट्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं फॉर एजुकेशन। कहीं ना कहीं एजुकेशन इज द ओनली टूल जिससे एक कंट्री का ग्रोथ होता है और बांग्लादेश अब उस ग्रोथ में शामिल हो गया, जो कि शायद 2005 से 2020 तक इंडिया का एक फेस चल रहा था। अब वही फेस बांग्लादेश में मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ पर ओवरसीज इंटरनेशनल एडमिशन के लिए बांग्लादेश में बच्चों की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, उसकी भीड़ लग रही है। और इसी के साथ साथ हमारा एक छोटा सा स्टडी इन इंडिया स्टॉल स्पैरिंग लाइफ, हम भी यहाँ पर हैं और इंडिया को एज एन एजुकेशन हब प्रमोट करने के लिए हम वो मेहनत कर रहे हैं जो शायद दूसरी कोई कंसल्टेंसी, भले वो इंडिया से हो चाहे बांग्लादेश से हो, बांग्लादेश के इस बड़े एजुकेशन फेयर में नहीं करती है। वो काम हम कर रहे हैं क्योंकि हमें मतलब है उन बच्चों से जो सच में स्कॉलरशिप के साथ इंडिया में पढ़ करके अपने देश का नाम और इंडिया का भी नाम रोशन करें। तो स्टडी इन इंडिया का प्रोग्राम जो इतने बड़े एजुकेशन फेयर में जहाँ सारी कंट्रीज हैं बट इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एस्पायरिंग लाइफ रिप्रेजेंट कर रही है, और ये है हमारा सपोर्ट सिस्टम इवन फॉर दोज स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश से पढ़ रहे हैं। उनको वो सारे अभी मेरे से मिलने आएंगे यहाँ पर बांग्लादेश में, उनको भी समझ में आता है कि हम यहाँ प्रेजेंट रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, नॉट लाइक मेनी कंसल्टेंट जो आपको एयरपोर्ट वीडियोज में टाटा बाय बाय करके बांग्लादेश में मेडिकल पढ़ने के लिए भेज देते हैं। हम यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्ट के साथ थ्रू आउट द ईयर रहते हैं और यहाँ के सारे कंसल्टेंसी, सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स के साथ एक अच्छा हमारा रिलेशन रहता है। कई सारे मेडिकल कॉलेज के तो प्रिंसिपल और टीचर्स भी आए हैं उनके बच्चों के एडमिशन के लिए। ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इसी के साथ कोशिश करेंगे आप सबको अपडेट करते रहने की कि ओवरसीज एजुकेशन के मामले में बांग्लादेश धीरे धीरे एक हब बनता है। साइनिंग ऑफ फ्रॉम एस्पायरिंग लाइफ। इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।